Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. O tan hai jo na man da hai sala sharira di na turdae buriya de raate kadi vi o tan hai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O tan hai jo na man da hai sala sharira di. O tan hai. Dua karein ki internet sahi chale. O tan hai jo na man da hai sala sharira di. हालो दाए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते हालो दाए उस बूटे वांग जो लगा पानी ते फल अपने वेले देवेगा फल अपने वेले देवेगा ना पत्तर सुकणगे ओ धन है ओ धन है जो न मन दाए सला शरीरा दी ना तुर दाए बुरिया दे रात कदे भी ओ धन है. ओ धन है जो न मन दाए सला शरीरा दी ना तुर दाए बुरिया दे राते कदे भी ओ धन है. हालेलुया. फादर फादर वी क्लिंग टू योर लॉ वी क्लिंग टू योर स्टैच्यूज वी क्लिंग टू योर डिक्रीज वी लिव इन योर वर्ल्ड लॉर्ड डे एंड नाइट वी मेडिटेट ऑन योर वर्ल्ड यू गिव अस एवरीथिंग दैट पर्टेन्स टू लाइफ एंड गॉडलीनेस. And you have already given us exceedingly great promises, which is your word. And through these promises, we can escape the corruption that is in the world because of lust. And we can live a life that pleases you, Father. Hallelujah. So Lord, this early morning we draw nigh unto you, to worship you, adore you. To just let you know that we are so grateful and deeply appreciative. Khudawand, hum tere tahe dil se shukr guzaar hain, Rabbul Afaz, Asmani Baap, tere fazal ke liye, tere hi fazal ke karan hum aaj tere hazoor mein kaayam hain, Khudawand. Hallelujah, teri daya, teri kripa abdi hai. Hum tere aage jhukte hain, Khudawand, aur tujhe sajda karte hain, teri parastish karte hain, tere naam ki. हालेलुया इबादत करते हैं तेरे नाम की सिफत को बुलंद करते हैं तेरे जलाली झंडे को ऊंचा करते हैं खुदावंद. हालेलुया हालेलुया तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो. हालेलुया आज की सुबह खुदावंद तू अपने कलाम से हमारे संग बोलना और बातें करना खुदावंद. हालेलुया यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन. हालेलुया हालेलुया सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया हालेलुया आज एक बहुत अद्भुत संदेश मेरे दिल में जो खुदावन ने डाला है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. मैं कुछ वचन पढ़ूंगा. सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कुरिन्थियों की पत्री में से एक वचन. Second Corinthians chapter number 11. Turn with me to Second Corinthians and the 11th chapter. Second Corinthians 11th chapter. Suniye, third vachan.
2 Corinthians 11:3. But I fear less by any means, as the serpent beguiled Eve. Hallelujah. Through his subtlety, so that your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए एक बहुत डीप बात लिख रहा है. कहता है कि लेस्ट, आज हम लेस्ट के ऊपर मनन करेंगे. देर आर लेस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड. लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो. तो ये जो लेस्ट है या कहीं ऐसा ना हो, यस तनुजा सेठ जी, इट्स गेटिंग वेरी वेरी कोल्ड हियर. तो जो लेस्ट है और कहीं ऐसा ना हो, इट इज नॉट अनबिलीफ, इट इज नॉट स्केयर और डाउट, लेकिन ये एक वैलिड पोटेंशियल थ्रेट है एनिमी से, जिसके खिलाफ आपको पहले सिक्योर रहना है. तो प्रेरित पौलुस बताता है, आज हम लेस्ट के ऊपर मनन करेंगे. प्रेरित पौलुस कहता है लेस्ट बाय एनी मीन्स एज द सर्पेंट बिगाइल्ड. सांप ने ईव को क्या किया? बिगाइल किया. बिगाइल, मैं इसको यहीं पे रोकता हूं. तो अगर आप चलेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 13, उत्पत्ति 3:13, वहां पे ईव अपने मुंह से ये बात कहती है यहोवा परमेश्वर को. आपको मालूम, यहोवा परमेश्वर जब वो पाप करते हैं तो यहोवा परमेश्वर आदम के पास जाता है, क्योंकि आदम हेड है सृष्टि का. आदम परमेश्वर आदम से कहता है, व्हाई डिड यू डू इट? तो एडम क्या करता है? एडम अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है? ईव के ऊपर. एडम कहता है, नो 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 नो, मैंने नहीं किया, ईव ने किया है. ऐसे हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते अपने जीवन में. जो हमें अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए, हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं. ये प्रथा अदन के बाग से शुरू हुई. परमेश्वर एडम को, गॉड वॉन्टेड टू होल्ड एडम अकाउंटेबल, लेकिन आदम ने जिम्मेदारी नहीं ली. उसने बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया ये पाप, ये तो औरत आपने दी, उसने मुझसे करवाया. तो प्रभु औरत के पास गए, व्हाई डिड यू डू दिस? औरत कहती, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, ये सांप जो आपने बनाया है, इसने मुझसे करवाया. बिगाइल्ड मी. तो आपको मालूम, एडम और ईव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली. आपको मालूम तौबा क्या होती है? रिपेंटेंस का मतलब होता है यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू होल्ड यूर अकाउंटेबल फॉर द ईवल, फॉर द बैड यू डिड, फॉर द कमैंडमेंट यू ब्रोक. यू गो टू गॉड, यू से आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल एंड आई सीक योर पार्डन, मुझे क्षमा करें. वो ब्लेम शिफ्टिंग गेम खेलते रहे. आज भी बहुत से लोग ब्लेम शिफ्टिंग गेम खेलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. ओनली दोज हुआ मचोर, जो परिपक्व हुए हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं. तो ईव प्रभु से कहती है, स्नेक द सर्पेंट, नखाश हिब्रू वर्ड है, नखाश. मैंने आपको बताया वो सांप से बढ़ के है, उसका नाम है नखाश. नखाश का मतलब है चमकने वाला. 3 मीनिंग है उसके. वो वर्ब और एडजेक्टिव दो तरह यूज होता है, एंड प्रोड्यूसेस 3 मीनिंग. शाइनिंग वन, चमकने वाला. नंबर 2, डिवाइनर. डिवाइनर का मतलब जादू करने वाला. नंबर 3, सांप. 3 मीनिंग्स थे उसके. तो बोलती है कि नखाश, उसका नाम है नखाश, बिगाइल्ड मी. उत्पत्ति 3:13 पढ़ लीजिए. हिब्रू वर्ड यह है नाशा. ये लगभग वही शब्द है नशा. नाशा, एक स्पेल कास्ट कर देना कि लोग इंटॉक्सिकेट हो जाएं और वो अपने रैशनल माइंड को, इस ब्रेन को यूज ना करने पाए. ऐसे शैतान करता है, बिगाइल करता है. आपको मालूम, नाशा ये जो हिब्रू वर्ड है, बहुत प्रोफाउंड है हिब्रू में. हिब्रू एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है. इट इज़ नॉट वन डायमेंशनल लैंग्वेज, इट इज मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज. इट इज द लैंग्वेज दैट गॉड क्रिएटेड. Hebrew 22 alphabets are the building block of the entire universe. God created everything with the 22 Hebrew alphabets. They are too deep, too profound. तो नाशा के लिए जो वो बोलती, मुझे भरमाया उसने, उसके लिए हिब्रू बोला नाशा. नुन शिन अलेफ,
नुन शिन अलफ, नुन का मतलब होता है बीज, सीड। नुन शिन, शिन का मतलब डिवाउर कर जाना, खा जाना। शिन एक बड़ा प्रोफाउंड वर्ड है, ऐसे बनता है जैसे ये शिन है, समझ लीजिए ये शिन है, ये युड युड युड, ये तीन युड हैं। एक युड का नंबर होता है सिक्स, सिक्स सिक्स सिक्स, तो क्या बन रहा है ये, ट्रिपल सिक्स। शिन का मतलब होता है मनुष्य के दांत, शिन मीन्स टू डिवाउर, खा जाना। और नुन का मतलब होता है बीज, जो नुन वर्ड है हिब्रू में, ये पुरुष के स्पर्म को दिखाता है। इट इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म, लाइक अ स्मॉल टेडपोल। खा जाना, उसको खा जाता है, बीज को खा जाता है। आपको मालूम, चलिए मैं फिर करूंगा उस पर बात। जो बोल्ड नबी होता है, नबी नाबी, नुन बैत, बैत का मतलब होता है घर, नुन का मतलब होता है बीज। जिस तो सुनिए ध्यान से, नाबी कौन है, नाबी यहोवा का नाबी, नुन का मतलब होता है बीज स्पर्म, बैत का मतलब होता है घर, जिसके घर में इस देह के अंदर यहोवा का बीज होता है, दैट इज कॉल्ड नाबी। हालेलुया। और अगर अगर आप नुन बैत कर देंगे तो नाभि बन जाएगा। नुन का मतलब बीज स्पर्म, जिससे पैदाइश होती है। बैत का मतलब घर, घर में यहोवा का बीज, इस देह के अंदर यहोवा का बीज। नाभि वो है जो बोलता है दस इज द लॉर्ड, नाभि। और आपको मालूम, अगर इसे उल्टा कर दोगे, नुन बैत करोगे नाभि और बैत नुन करोगे तो बेटा, बेन बेटा। हालेलुया। नबी और बेटा दोनों का डीप कोरिलेशन है। तो यहां पे जो वर्ड है नुन शिन अलेफ, नुन का मतलब बीज, अलेफ खुदा, खुदा का बीज, और शिन का मतलब थ्री योड, ट्रिपल सिक्स, शैतान यहोवा के बीज को खा गया। यीशु मसीह कहते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज सड़क के किनारे पड़ा और आकाश के पंछियों ने आके चुग लिया। ये आकाश के पंछी हैं बदरुएं, जो आपके अंदर सच्चा कलाम जाने नहीं देते, सच्चा कलाम नहीं जाने देंगे। आप मोटिवेशनल प्रीचिंग सुनोगे, आप ह्यूमन साइकोलॉजी सुनोगे, मेटाफिजिकल साइंस सुनोगे, पॉजिटिव थिंकिंग सुनोगे, बड़े बड़े वो फेमसों से जाके सच्चा कलाम जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये शैतान आपके अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि ये यहोवा का सच्चा कलाम है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा नुन शिन अलेफ, नाशा, उसने मुझे बिगाइल किया। कैसे शैतान बिगाइल करता है, कैसे? नुन शिन अलेफ, यहोवा के बीज को आके चोरी कर जाएगा, खा जाएगा आपके अंदर से, और आपके अंदर रह जाएंगे फेमस प्रीचरों की बड़ी बड़ी कोटेशंस, वो जरूर चिपकाएंगे फेसबुक पे। आप आज ये होने जा रहा है, वो करने जा रहा है, ब्रेक थ्रू आने जा रही, डिमका होने जा रहा है, ये कलाम से आप कोसों दूर होंगे। हालेलुया। वो कहती है उसने मुझे क्या किया, बिगायल किया स्नेक ने, और नुन शिन अलेफ, वो यहोवा के सीड को खा गया। ये है बिगायलिंग, कैसे शैतान धोखा देता है। दूसरा कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 आपके लिए पढ़ता हूँ। पौलुस क्या कहता है कलीसिया के लिए, ईव को बिगा। हालेलुया। इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए लिख रहा है ये बात, और कहाँ की मिसाल किसकी दे रहा है, गार्डन ऑफ ईडन की। कहता है, फिर से सुन ले, आई फियर, वो खुदा का बंदा जो कहता है गॉड हैजंट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, वो खुद कह रहा है आई फियर लेस बाय एनी मीन्स, कहीं ऐसा ना हो एज द सर्पेंट बिगाइल ईव, जैसे उसने ईव को बिगाइल किया। बिगाइल के लिए ग्रीक वर्ड है एक्स पठाओ विच मीन्स डिसीव, सेम वर्ड है नाशा, उसी की सेम इंटरप्रिटेशन है एक्स पठाओ ग्रीक में। हालेलुया। सांप कहीं भरमाए ना, सांप के लिए ग्रीक वर्ड है ऑफेस, जिसका मतलब है मलिशियस वन,
धोखा देने वाला कैसे ना करे, यहां पे क्या लिखा तीन वचन में, थ्रू हिज सटिलिटी, अपनी चतुराई से, चलाकी से, कनिंगनेस से, योर माइंड शुड बी करप्टेड फ्रॉम द सिंप्लिसिटी दैट इज इन क्राइस्ट। क्या करेगा शैतान? आपके माइंड को करप्ट करेगा, करप्शन लाएगा। सिंप्लिसिटी, इस कलाम की सिंप्लिसिटी समझ रहे हैं आप, इसकी सिंप्लिसिटी से दूर ले जाएगा आपको। हालेलुया। वो अपनी स्ट्रेटजीज बदलता नहीं है। तो आज जो मैं आपको लिस्ट देना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से आप निकालें। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है, कैसे डिसीव करता है? नुन शिन आलेफ, यहोवा के सच्चे बीज को खाता है, पनपने नहीं देता। ये शिन का मतलब होता है तीन युड, खा जाना। ये 1626 3666। हालेलुया। ये उसका सिग्नेचर है शैतान का। तो मैं चाहता हूँ आप निकालें मेरे संग जल्दी से इब्रानियों की पत्री, हिब्रूस, और उसका हम जल्दी से पढ़ेंगे 12 अध्याय, और हम थोड़ा गहरा जाएंगे परमेश्वर के कलाम में। इब्रानियों 12 के मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 13-15 से, इब्रानियों 12 के 15 से, हम 14 से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, फॉलो पीस विद ऑल मैन एंड होलीनेस, पीस एंड होलीनेस, विदाउट विच नो वन शैल सी गॉड, विदाउट होलीनेस नो बडी शैल सी गॉड। 15 वचन, लुकिंग डिलीजेंटली, ध्यान से देखें, सावधान रहें, लेस्ट, तीन लेस्ट पे हम मनन करेंगे, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाए। हालेलुया। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाए। लेस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंगिंग अप ट्रबल यू, परमेश्वर के अनुग्रह से कैसे कोई गिर जाएगा? सुने ध्यान से, तीन लेस्ट पे हम मनन करेंगे। क्या है ये लेस्ट? द रूट ऑफ बिटरनेस। हालेलुया। ये लेस्ट क्या है भाइयों बहनों? द रूट ऑफ बिटरनेस। कड़वाहट की जड़, क्या ये चीज? रूट ऑफ बिटरनेस। ये बहुत यूनिक टर्मिनोलॉजी पॉल द अपोसल यूज कर रहा है, जिसके विषय में हम अभी मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ लूं, कुछ वचन पढ़ देता हूँ, 3-4 स्क्रिप्चर पढ़ता हूँ सिर्फ, रोमन्स चैप्टर नंबर 3 में से। सुनिए, रोमन्स चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है? एज इट इज रिटन, देयर इज नन राइचियस, नॉट इवन वन, देयर इज नन दैट अंडरस्टैंडेथ, देयर इज नन दैट सीकेथ आफ्टर गॉड। परमेश्वर डिक्लेयर कर रहा है मैनकाइंड के लिए कि कोई ना तो धर्मी है, एक भी धर्मी नहीं है, और कोई समझ नहीं रखता, ना कोई प्रभु को ढूंढता है। They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. कोई भी भला नहीं है, कोई भी सच्चे राह पे नहीं चल रहा, सब दुष्ट बन गए हैं। Their throat is open sepulcher and their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips. उनका जो मुंह है खुली कब्र है, उनकी जो जुबान है वो धोखे से भरी है, और उनकी उनके होठों के ऊपर जहर है, सांपों का जहर है। Whose mouth is full of cursing and bitterness, वो कर्स और बिटरनेस से भरे हुए हैं। ये मैनकाइंड की डिस्क्रिप्शन दे रहा है पौलुस चैप्टर नंबर 3 में। होल मैनकाइंड इज लाइक दैट। तो संत पौलुस क्या लिख रहा है इब्रानियों की पत्री में? मैं ये मानता हूँ संत पौलुस ने लिखी है ये पत्री। खैर, आप ये कह सकते हैं होली स्पिरिट ये कह रहा है, इफ़ यू डोंट एग्री विद माई परस्पेक्टिव। तो होली स्पिरिट क्या कह रहा है? लुकिंग डिलीजेंटली, ध्यान से, चौकसी से देखे, लेस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। हाउ कैन यू फेल द ग्रेस ऑफ गॉड? हाउ कैन यू फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड? प्रभु के अनुग्रह से आप कैसे गिर सकते हैं? प्रभु की कृपा से आप कैसे वंचित रह सकते हैं? लेस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस, कि कड़वाहट की जड़ फूटेगी आपके अंदर। कड़वाहट की जड़, बिटरनेस, कड़वाहट, समझते हैं आप?
एक किस्म का बिटरनेस है, अनफुलफिल्ड रिवेंज। सुने ध्यान से, आपके अंदर जो बदला लेने की भावना है उसको आपने सप्रेस किया है किसी तरह से, और वो बदला लेने की भावना आपके अंदर कड़वाहट बनी हुई है। और मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत डीप चीज है जो मैं शेयर कर रहा हूं। ये जो कड़वाहट है इसका बीज नहीं है कोई, ये कड़वाहट की जड़ है। इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड फिनोमेना। यू डोंट हैव टू प्लांट द सीड एंड देन लेट इट जर्मिनेट एंड देन लेट दैट सपल प्लांट कम आउट। नो 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 नो, इट इज ऑलरेडी देयर। ये पूरे इस यूनिवर्स में है, इसकी रूट जड़ है, इसकी बीज नहीं बोला है। आपको मालूम रूट के लिए ग्रीक वर्ड यहाँ पे जो प्रिंसिपलूस, प्रिंसिपलूस अगर आप नहीं कहना चाहते तो आप बोलते पवित्र आत्मा। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है रूट ऑफ बिटरनेस, तो यहाँ पे जो रूट के लिए वर्ड है वो है रीजा। रीजा ये दो जगह यूज हुआ बाइबल में, एक यहां पे, दूसरी जगह है द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। लस्ट मनी की, द एवरेस्ट फॉर मनी, पैसे की लोलुपता, पैसे की लालच। हालेलुया। कॉवेटसनेस जो है, कॉवेटसनेस वो क्या है, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल। रूट के लिए फिर वर्ड है रीजा। रीजा का असली मतलब क्या, प्रोजनी, ऑफस्प्रिंग, पैदा करना, जनरेशंस को पैदा करना, प्रोजनी। रीजा का मतलब है गर्भ, गर्भ, गर्भाशय। बिटरनेस जो है, कड़वाहट जो है, वो एक वूम है जिसे आप लेके घूम रहे हो। हालेलुया। और इस वूम के अंदर ऑलरेडी रूट है, आपको सीड डालने की जरूरत नहीं है, रूट है ऑलरेडी, प्रिपेयर्ड रूट है। ये ऐसे है जैसे आप किसी ट्री की टहनी को काट के रोप देते हो और वो उग जाती है, आपको बीज बीज डालने की जरूरत नहीं है। तो बिटरनेस ये है रूट, रीजा। और बिटरनेस के लिए ही ग्रीक वर्ड है पिक्रिया। पिक्रिया, आपको मालूम पिक्रिया का मतलब क्या है, पॉइजन। सांप के, कोबरा सांप के मुंह से क्या निकलता है, पॉइजन। ये जड़ है पॉइजन की। हालेलुया। और इसे हम हेट कहते हैं, हेट नफरत की जड़ है, और ये बिटरनेस की जड़ है, एंगर, सप्रेस्ड एंगर की जड़ है। यू वांटेड टू टेक रिवेंज, दैट रिवेंज इज ब्रूडिंग ऑन द इनसाइड ऑफ यू एंड दिस रिवेंज हैज बिकम बिटरनेस। तो प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है, कहता है लुकिंग डिलिजेंटली लेस्ट एनी मैन फेल शॉर्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। कैसे आप प्रभु के अनुग्रह से वंचित रह सकते हैं, कैसे आप स्वर्ग जाने से वंचित रह सकते हैं, ये है वजह एक, क्या है, लेस्ट एनी मैन मे फेल शॉर्ट ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, लेस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंगिंग अप ट्रबल यू एंड देयर बाय मैनी बी डिफाइल्ड। ये एक ऐसा सिन है, ऐसा पाप है जो केवल आपको नरक नहीं लेके जाएगा, आप अपने संग बहुतेरों को नरक ले जाएंगे। बिटरनेस से भरा हुआ जो व्यक्ति है ना, जिसके अंदर जड़ है कड़वाहट की, वो क्या करता है, वो कड़वाहट को फैलाता है पूरी कलीसिया में। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है, उसके मुंह से कड़वा पानी निकलता है, उसकी आत्मा में कड़वाहट का चश्मा है, उन लोगों को मिलता है, खुसर खुसर करता है, टेल बेयरिंग करता है, चुगली करता है, इधर की बातें उधर करता है, अपने लॉजिक को प्रेजेंट करना चाहता है क्योंकि अंदर से वूंडेड है, और वो दूसरे लोगों को अपने संग मिलाता है, रिबेलियन करता है। और इससे क्या होता है, मैनी, मैं आपको सुनिएगा ध्यान से, आज बहुत सारे लोग आर रनिंग आफ्टर नॉलेज। नॉलेज, आज जो आपके पास नॉलेज है ना, कल आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि एवरी 6 आवर्स द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज चेंजिंग। डोंट रन आफ्टर नॉलेज, द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ ईवल एंड गुड, सीक विजडम। हालेलुया। नॉलेज विल चेंज आफ्टर After another month, there will be explosion of new kind of information and new kind of knowledge. Don't run after knowledge. Run after Jesus of Nazareth. He is the wisdom of God. Jesus Christ is the wisdom of God. Hallelujah. So, knowledge ki lalak paida ki shaitan ne. Wo hawa ko us tree ke paas khada kara hai. Us tree ko different light mein dikhata hai. Aur kya kehta hai?
Oh, did God really say? She should have said, yes, God said it and I believe it. Get thee behind me. But she didn't do that. Do not engage the devil in a dialogue. Just rebuke the devil. How? With the word of God. परमेश्वर के कलाम से डरता है शैतान. आपसे नहीं डरता, मुझसे नहीं डरता, यहोवा के कलाम से डरता है. यहोवा का कलाम आपके दिल में अधिकाई से बसे और आपके मुंह से झरना बहे यहोवा के कलाम का, वो भाग जाएगा. हालेलुया. वो क्या कहता है? उन्हें कहता है यू विल बी लाइक हिम. ईव से कहता है यू विल बी लाइक हिम. उनको ये, वो ये भूल गई, ईव ये भूल गई दैट आई एम ऑलरेडी लाइक गॉड. आई एम क्रिएटेड इन हिज एक्सप्रेस इमेज एंड इन हिज लाइकनेस. आई जस्ट लुक लाइक माय क्रिएटर. माय हस्बैंड जस्ट लुक्स लाइक माय क्रिएटर. शी फॉरगॉट दैट. क्या इंप्रेशन दे रहा था शैतान ईव को? कि कोई ऐसी चीज है जो यहोवा ने तुम्हारे से छिपा के रखी है. देयर इज सम काइंड ऑफ सीक्रेट थिंग दैट आई कैन गिव यू. ऐसे आता शैतान. वो स्लाइंग एनिमी है, सिनिस्टर है, बिल्कुल सटल ढंग से स्लिदर करता आएगा आपके पास. और सबसे पहला काम यहोवा के कलाम के ऊपर शक पैदा करेगा. ये जिंदा कलाम है, ये लाइफ लाइन है भाई और बहनों. ये आपके जीवन का, मेरे जीवन का आधार है. इससे ये ब्रह्मांड पैदा हुए हैं. ये कायनात इसी ने उत्पन्न की है, जीवित कलाम ने. हालेलुया, हालेलुया. कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहा है, वो ऐसा बता रहा है गॉड इज होल्डिंग बैक समथिंग. गॉड इज नॉट गिविंग यू समथिंग, गॉड इज होल्डिंग बैक. बट दे फॉरगॉट दैट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन देम ऑल थिंग्स. पत्रस लिखता है ऑल थिंग्स दैट पर्टेन टू लाइफ एंड गॉडलीनेस गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस. जो जो चीजें एक पवित्र धर्मी जीवन जीने के लिए हमें चाहिए वो यहोवा ने हमें पहले दे दी हैं. एक्सीडिंगली ग्रेट प्रोमिसेस, इस कलाम के अद्भुत वायदे दिए हैं जिनके द्वारा वी कैन एस्केप द करप्शन इन द वर्ल्ड. संसार के अंदर जो गंदगी है, बदकारी है, पाप के कारण, उसके ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं. और वो भूल गए. इफिसियों की पत्री कहती है गॉड, ब्लेसड बी गॉड द फादर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर धन्य है who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. जिसने हमने हमें स्वर्गीय मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत दे दी है. आपको मालूम परमेश्वर की नज़र में रूहानी बरकत मैंने रखती है. उन रूहानी बरकतों के जखीरे में से आपके लिए सब चीज़ें ज़मीन पे फ्लो करती हैं. जो सच्ची सेवकाई है, सच्चे खादिम है, वो रूहानी बरकतों के जखीरे के साथ आपको बांधेंगे. उनमें से अपने आप आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जॉब चाहिए, स्पाउस चाहिए, बच्चे चाहिए, जो चाहिए आपको वो फ्लो करेगा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में से. उस वो दे दी है हमें, हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का इनहेरिटेंस मिला है हेवनली प्लेसेस में. तो मुझे अब मटेरियल चीज़ों की प्रमोशन नहीं करनी. बंगला देने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, गाड़ी देने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, रियल एस्टेट देने जा रहा है, वीजे लगने जा रहे हैं, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि मुझे मालूम है उसने ऑलरेडी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का जखीरा दे दिया है. मुझे उन्हें आपके लिए रिलीज़ करना है ताकि उन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में से सारी ज़मीनी बरकतें खुलनी शुरू हो जाएं. तो इसलिए आप मुझे नहीं सुनेंगे ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, ऐसा करने जा रहा है, ये हो रहा है, वो. आई विल नॉट डू दैट. Because I know there is a greater law in the word of God. He has already blessed us. Not that he's going to bless us. Hallelujah. With all spiritual blessings in heavenly places. Eve bhool gayi. Aapko malum Hindi, hum Parmeshwar ko English mein kehte hain God. Ye English word nahi hai. This is Germanic Saxon word. Germanic Saxon root se aaya hai. Aur इसकी जो रूट है वो है लैटिन. लैटिन रूट है, लेकिन ये वर्ड जर्मैनिक सेक्शन में से ट्रांसलेट होके आया है. ये ओरिजिनल वर्ड है गूट, जी ओ ओ टी. गूट इज अ जर्मैनिक वर्ड विच लिटरली मीन्स गुड, एंड गुटे लैटिन वर्ड विच मीन्स गुड. सो जब आप बोलते हो गॉड, आप बोलते हो गुड. ही इज इसेंशली गुड. ही इज गुड इन हिज नेचर, इन हिज एसेंस.
There is no evil in him. There is no darkness at all. In him, he is light. He is absolutely glorious and marvelous. When you say God, you say good. God is good all the time. All the time, God is good. So the word God literally means gut in Germanic Saxon language, which means good. God is essentially good. He will never bring evil if you walk rightly with him. Vacha ke sang chalenge. यहोवा की अधीनगी में यहोवा से चतुराई मत करना, चलाकी मत करना, घमंड अहंकार मत करना यहोवा के आगे। बनावटीपन दिखावे से यहोवा को घृणा है, घमंड से यहोवा को घृणा है। उसके चरणों में दीन बन के चलना। हालेलुया, हालेलुया। दे ऑलरेडी नो गुड, उनको पता है गॉड इज सो गुड। गार्डन ऑफ ईडन इज अ ईडन का मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर, आनंद की नगरी है। कई लोग हमारे देश में कहते हैं ना, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दर्द दोख नहीं तहठाऊं। वो बेगमपुरा क्या है? वो द गार्डन ऑफ ईडन है। हालेलुया। और वहां का राजा है यीशु मसीह, और उस नगरी में प्रवेश करने का गेट भी यीशु मसीह है। उस नगरी तक रसाई भी यीशु मसीह का ब्लड है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान की डिसेप्शन क्या है? यू विल नो। जिस दिन तुम खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम जान जाओगे। थैंक यू जीसस। सॉरी, द इंटरनेट कीप्स ऑन गेटिंग डिसकनेक्टेड एंड इट्स गिविंग मी ट्रबल। आई हैड टू गो अप लिटिल बिट टू काइंड ऑफ गेट द रिकनेक्शन। हालेलुया, प्लीज लौट आइए सभी। हालेलुया, आ जाइए सभी वापस। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है कि मुझे वाईफाई लगवाना पड़ेगा, या आई हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ अ बेटर कनेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। तो ट्री द नॉलेज ऑफ ईवल एंड गुड, समझ रहे हैं आप? Not only the knowledge of good, but the knowledge of evil and good. आपको मालूम, Jesus knew no sin. एक ही इस पृथ्वी पे ऐसा इंसान आया जिसे पाप का पता नहीं है। He never knew sin. Jesus never knew sin at all. Hallelujah. God clothed His only begotten Son in flesh and bones, and God put His own DNA. He did not put Adam's DNA. In the body of Jesus, He's put His own DNA. So Jesus came, He knew no sin. आपको मालूम no sin का मतलब क्या है? No sin का मतलब है, Bible कहती है, Adam knew his wife Eve and she bore him a son. तो आदम ने अपनी पत्नी के संग शारीरिक संबंध बनाया जिससे पुत्र पैदा हुआ। यीशु मसीह ने पाप से कोई संबंध नहीं बनाया। He knew no sin. Hallelujah. He did not know what sin is all about. Satan could not put Jesus in circumstances where Jesus could sin. देखिए, परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए sin बनाया। Jesus sinner नहीं बना। एक ही ऐसा बंदा जो जमीन पे आया जो sinner नहीं बना, बल्कि आपके और मेरे लिए sin बन गया। Hallelujah. Jesus did not know sin experientially. पाप को अनुभव करके नहीं जाना यीशु मसीह ने, लेकिन पाप उसके ऊपर लाद दिया गया। He became sin. समझ रहे हैं आप? Sin bearer. पाप की जो जजमेंट थी ना, पाप की जो सजा है, वो भी जीसस के ऊपर डाल दी गई, और पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी जीसस के ऊपर डाल दिए गए। He did not sin. He became a sin bearer. Hallelujah. Hallelujah. तो शैतान एडम और ईव को यह कहता है, God is not doing for something that he should be doing. ऐसे ख्याल आता है शैतान कि यहोवा वो तुम्हारे लिए कर नहीं रहा जो उसे करना चाहिए। और यह सब करके शैतान ईव से जो पाप करवाता है, हवा से पाप करवाता है। क्या पाप है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना।
परमेश्वर ने कहा था वो फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। शैतान ये सब बातें करता है, हवा से डायलॉग करता है, उसे सड्यूस करता है, उसे धोखा देता है, वो ट्री को एक अलग रोशनी में दिखाता है, एक और रियलिटी क्रिएट करता है। शैतान हमेशा एक नई रियलिटी क्रिएट करता है आपके लिए। शैतान हमेशा पाप को इतना खूबसूरत बना के पेश करता है, इतना सुंदर बना के पेश करता है, पाप के सुख का बयान करता है कि पाप के सुख कितने अद्भुत है, और आपके माइंड से खेलता है शैतान, एक और यूटोपिया क्रिएट करता है। He takes you into a dreamland. You know, all he does, he take, the first thing he has to do, he has to take you away from this. तो कैसे करेगा? Did God really say? क्या सचमुच प्रभु ने कहा है? इससे चिपके रहिए, इसके ऊपर दिन और रात मनन कीजिए। यह आपके अंदर से तलवार बन के निकलेगा शैतान को भगाने के लिए। आप उसके ऊपर जयवंत नहीं हो सकते, मैं उसके ऊपर जयवंत नहीं हो सकता, ये कलाम उसके ऊपर जयवंत होता है, जिंदा कलाम। हालेलुया। वो ईव को सबसे पहले परमेश्वर के कलाम के ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा है, फिर उस ट्री को एक अलग रोशनी में पेश कर रहा है, फिर उसके मन में विचार डाल रहा है, गॉड शुड हैव डन बेटर फॉर यू, ही हैजंट डन। क्या कर रहा है शैतान? शैतान बिटरनेस का रूट दे रहा है ईव को। That is how he is turning Eve against God. आप मालूम कैसे किसी के खिलाफ खड़े होते हो? आपके अंदर bitterness आती है उस व्यक्ति के लिए। आपको मालूम original जो sin है वो इसी का है, Lucifer का। इसने पाप किया है, original sin। और original sin क्या है शैतान का? मालूम आपको? यशाया 12 अध्याय 14 अध्याय पढ़ लीजिएगा 12 वचन से, और इजिकियल 28 चैप्टर पढ़िएगा। वो परमेश्वर यहोवा ने उसे इतना खूबसूरत चरबम बनाया था, वो परमेश्वर का गार्जियन था, परमेश्वर की हजूरी का प्रोटेक्ट करने वाला था। वो यहोवा परमेश्वर की सेनाओं को, बिनायहा एलोहिम को और मॉर्निंग स्टार को, भोर के तारों को और परमेश्वर के पुत्रों को, सबको इकट्ठा करके आराधना करवाता था। उसके अंदर साज थे, अपने पंख फैलाता था तो साज बजते थे। वो सिंथेसाइजर था जो यहोवा ने बनाया था, हर तरह के साज थे। मुंह से फूंक मारने वाले साज थे उसके अंदर सारे, ऐसे से दबा के बजाने वाले साज थे, बीट पैदा करने वाले साज थे, सभी साजों से लैस था और खूबसूरत जबरदस्त, हम बयान भी नहीं कर सकते, ऐसी मौसिकी, ऐसा संगीत पैदा करता था, और यहोवा परमेश्वर की इबादत आराधना करता था, सारे यहोवा के झुंड। हालेलुया। करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों, अरबों गुना अरबों गुना अरबों खुदावन के एंजल, लिविंग क्रीचर, जीवित जंतु, स्वर्गदूत, प्रधान दूत, ओफनीम, सराफीम, खरबीम, पावर्स, प्रिंसिपैलिटीज, अथॉरिटीज, डोमिनियंस, बनायहा एलोहिम, मॉर्निंग स्टार, सभी यहोवा की आराधना करते थे। और यहोवा परमेश्वर अल शफोन में नॉर्थ की तरफ एक जलाली सिंहासन पर विराजमान होता था। ये सब उसकी भक्ति करते थे, आराधना करते थे, क्योंकि यहोवा ने इन्हें बनाया था। तो इसके दिल में क्या हुआ? इसके दिल में बदकारी पैदा हुई, बिटरनेस। बिटरनेस कैसे? इसने देखा यहोवा इतने बड़े सिंहासन पे, मुझे भी अपना इससे बड़ा बनाना चाहिए। 5 आई बोला इसने, ये यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय में, 5 आईज, 5 बार बोला मैं। यीशु मसीह के शरीर में 5 जख्म दिए गए, मैं अपना सिंहासन यहोवा के सिंहासन के ऊपर बनाऊंगा, मैं तारों के पार चला जाऊंगा, मैं मंडली के ऊपर नॉर्थ की दिशा में चला जाऊंगा। ये इसके अंदर बिटरनेस आ गई, कड़वाहट की जड़ फूटी शैतान के अंदर। वो जो जड़ है कड़वाहट की, वो जड़ जो इसके अंदर बिटरनेस की है, वो परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। उसको लगा कि मुझे बनना चाहिए परमेश्वर से भी बड़ा, परमेश्वर से भी ऊंचा। उसके अंदर बिटरनेस की जड़ आ गई, कड़वाहट की जड़। और वो क्या करता है? कड़वाहट की जड़ जो है वो ईव के पास लेकर आया है, उसके अंदर भी वही बिटरनेस पैदा कर रहा है। प्रभु नहीं नहीं नहीं, कुछ और है, देयर इज समथिंग मोर टू लाइफ, देयर इज समथिंग मोर दैट दिस ट्री कैन ऑफर अनटू यू। गॉड
knows it. That's why he forbade you. He doesn't want you to share this. He doesn't want you to participate in this esoteric secret knowledge. This tree will really equip you. No, no, God lied. He cheated. God is not a generous God. He doesn't want you to share this one thing that he created. No, you can access that. You can have that. That's bitterness. That's rebellion against God. Karvahat kya hai? Rebellion hai. Toh kya kehta hai? Pehla lest. Ibraniyo 12 ki 15. Fall short. कम रह जाएंगे. वचन में क्या लिखा है? सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं. ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. आपको मालूम इसका मतलब क्या है? जब आप फॉल शॉर्ट हो जाएंगे परमेश्वर के स्टैंडर्ड के, दैट मींस यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट. ये कह रहा है इब्रानियों की 12 की 15 वाला. अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे आप, अपना उद्धार खो देंगे आप, परमेश्वर के पास नहीं जा सकेंगे आप, अपना मोक्ष खो देंगे. हालेलुया. तो मैं पढ़ता हूँ 12 का 15 फिर से आपके लिए. रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंगिंग अप ट्रबल यू एंड देयर बाय मैनी बी डिफाइल्ड. बहुत सारे क्या हो जाएंगे? डिफाइल हो जाएंगे. कैसे डिफाइल हो जाएंगे? हाउ दे विल बी डिफाइल्ड? अब सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सुनिए, हाउ दे विल बी डिफाइल्ड? बिटरनेस की रूट के द्वारा. हालेलुया. बिटरनेस की जड़ के द्वारा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बिटरनेस की जड़. आपको मालूम 14 वचन क्या बताता है? 14 वचन बताता है, बात करता है होलीनेस की, पवित्रता की. 15 वचन बात कर रहा है बिटरनेस की. हालेलुया. तो हमें, वी हैव टू वॉक इन होलीनेस. और यहां पे दूसरी बात जो है 16 वचन में, लेस देयर बी एनी फर्निकेटर. इब्रानियों 12 की 16, लेस देयर बी एनी फर्निकेटर और प्रोफेन पर्सन एज एसाउ हु फॉर वन मॉर्सल ऑफ मीट सोल्ड इज बर्थ राइट. अब देखिए कहां से कहां परमेश्वर का कलाम हमें कनेक्ट कर रहा है. हमें पवित्रता में चलना है, हमें लस्चिवियसनेस में नहीं चलना. लस्चिवियसनेस समझते हैं? शरीर के भोग विलास को भोगने वाला जीवन. हालेलुया. तो एक मार्ग है लीगलिज्म, कि आप अपने कानून बना ले. कई मिनिस्ट्रीज, कई सेवकाइयों के गिर जाने की वजह क्या हुई? उन्होंने ह्यूमन लीगलिज्म बनाया, अपने लॉज बना लिए, अपने नियम बनाए, रिलीजियस मजहबी नियम. वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं थे. तो जो ये लीगलिज्म है, ये रिलीजियोसिटी जो है, ये बड़ी डेंजरस है. लीगलिज्म विल ऑलवेज क्रम्बल वन पॉइंट और दी अदर. अगर आप परमेश्वर के कलाम से बाहर कोई ऐसे नियम विधियां बनाते हो. पलूस गलतियों की कलीसिया को यही तो कहता है, हु बिविच्ड यू. बिविच्ड का मतलब किसने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, टोना कर दिया उन्हें कहता है. मैजिक के द्वारा डिसीव करना, ट्रिक करना. कहता गलेशियंस, हु बिविच्ड यू, किसने तुम्हें डिसीव किया. आपको मालूम जो वर्ड डिसीव है, जो प्रेरित पौलुस कहता है, हु बिविच्ड यू, गलतियों की पत्री में, यू फूलिश गलेशियंस हु बिविच्ड यू, उसके लिए वर्ड है डिसीव्ड यू. और अगर आप रूट ग्रीक वर्ड देखेंगे डिसीव, जिसका मतलब है ट्रिक करना, उसका असली मीनिंग है बिटरनेस, डिसेप्शन. गलतियों की कलीसिया को झूठे शिक्षकों ने, झूठे प्रेरितों ने. तो मैं अब एक वचन देता हूं आपको, जो मैंने पहले शुरू किया था, पहला कुरिन्थियों की पत्री में से, पहला कुरिन्थियों की 11 अध्याय, उसके मैं 13 वचन में आपको लेके आता हूं. पहला कुरिन्थियों 11 का 13, फॉर सच आर फॉल्स अपोसल्स, डिसीटफुल वर्कर, ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू द अपोसल ऑफ क्राइस्ट. क्या कह रहा है प्रेरित? कहता है ऐसे झूठे प्रेरित हैं, धोखा, डिसीटफुल वर्कर, वो धोखे से चमत्कारी काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू द अपोसल ऑफ क्राइस्ट. अपने आप को मसीह के प्रेरित दिखाते हैं पर है नहीं. हालेलुया. तो गलतियों की पत्री को लिख रहा है, हु बिविच्ड यू फूलिश गलेशियंस, हे मूर्ख गलतियों, मूर्ख गलतियों,
तुम्हें किसने विविच किया, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। गलतियों की पत्री में से सुने, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय का पहला वचन सुने ध्यान से। गलतियों 3 का पहला, फूलिश गलेशियंस हु हैथ बिविच्ड यू। गलेशियंस गलतियों 3 का एक, हे मूर्ख गलतियों तुम्हें किसने बिविच किया। समझ रहे बिविच का मतलब, हु हैज बिविच्ड यू, जो ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मतलब तुम्हें किसने धोखा दिया, डिसीव किया। लेकिन बिविच का मतलब है तुम्हारे ऊपर किसने जादू टूना कर दिया, ट्रिक किया तुम्हें। और ये जो वर्ड है ना, हु हैज बिविच्ड यू, इसका रूट मीनिंग है बिटरनेस। किसने कड़वाहट की जड़ें बोई आपके अंदर। झूठा कलाम कड़वाहट की जड़ें हैं। झूठे प्रेरित, झूठे नबी, झूठे काम करने वाले, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दिखाने वाले, झूठे कलाम की जड़ बोते हैं। बीज नहीं है वो। मैंने आपको बताया, वो वचन दिया मैंने कि बीज को वो खा जाता है। हालेलुया, याद आपको जो मैंने शुरू में आपको वचन दिया है, ईव पर हवा, उत्पत्ति की पुस्तक 3:13 में यहोवा से कहती है, द सर्पेंट बिगाइल्ड मी, नखाश का मतलब सांप, सर्पेंट, चाम करने वाला, डिवाइनर, चमकदार, चमकने वाला, उसने मुझे क्या किया, नाशा किया। नून शिन आलेफ, नून का मतलब बीज, शिन का मतलब खा जाना, आलेफ का मतलब खुदा का, खुदा के बीज को मेरे अंदर से खा गया। ये है डिसेप्शन, ये है कड़वाहट की जड़। हालेलुया। किसी ने, मैंने सुनी किसी की टेस्टमनी कि किसी अपोसल ने पंजाब में उस बंदे को बोला, तेरे घर में बेटा पैदा होगा। उसको 15 साल हो रहे हैं वेट करते, बेटा पैदा नहीं हुआ। तो उसको कहा, बड़ा स्पेशल बेटा पैदा होगा, बहुत बड़ा अपोसल बनेगा। और मैंने सुना कि उस बंदे के पास ज़मीन थी, वो उसने बेच दी, वो पास्टर की मिनिस्ट्री में लगा दी, उसकी शॉप भी चली गई, गाड़ी भी चली गई। दैट्स डिसेप्शन, दैट्स बिगाइलिंग। किसी कपल के विषय में मैंने पढ़ा कि उनको प्रोफेटिक वर्ड मिला है कि वो कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे हैंड टू माउथ। एक दिन परमेश्वर उन्हें प्रॉस्पेरिटी देगा, खुद प्रॉस्पेरिटी देगा। बाइबल में कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल नहीं है, ना ही बाइबल में पॉवर्टी गॉस्पल है। पॉवर्टी प्रीच करना भी गलत है। कई लोग पावर्टी पावर्टी प्रीच करके अपने आप को बड़ा होली बना के पेश करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नीदर पावर्टी नॉर प्रॉस्पेरिटी, लेकिन ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। हालेलुया। यहोवा के पीछे, जो उसके पीछे चलेंगे, क्या लिखा है बाइबल में, लिखा है जो उसके पास आए वो विश्वास करे कि वो है, और वो उन्हें जो उसे खोजते हैं इनाम देता है। हालेलुया। दोनों एक्सट्रीम एंड डिसेप्टिव हैं। हालेलुया। दोनों एक्सट्रीम एंड डिफेक्टिव हैं। तो मैं अब आपको ये देता हूं 15 वचन का सेकंड पार्ट, क्या लिखा है, एंड देयर बाय मैनी बी डिफाइल्ड, और बहुत सारे डिफाइल हो जाएं। डिफाइल के लिए क्या वर्ड है, डिफाइल्ड का मतलब है स्ट्रेन्ड और स्टेन्ड, STAINED, स्टेन्ड और डाइड विद अनदर कलर। डिफाइल हो जाए का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे भी, जैसे आप बाल रंगते हैं ना, आप अपना कपड़ा रंग लेते हैं, किसी और रंग से आप रंगे जाओ। अगर आप कड़वाहट से भरे रहोगे तो शैतान आके आपको डाई करेगा, आपका ओरिजिनल कलर नहीं रहने देगा, किसी और कलर से डाई कर देगा। आपने ईसाओ और यकूब की कहानी पढ़ी, जिनका पिता आइजक है। तो क्या लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 25:29 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक कटोरी दाल के लिए वो क्या करता है, एक कटोरी दाल। और ये जो ईसाओ है, जो कटोरी है ना दाल की, उसका रंग भी लाल है,
और जो इसाओ है उसका रंग, उसके नाम का मतलब भी लाल है. उसका मतलब, उसका ओरिजिनल नाम है ईडम. ईडम मीन्स रेड. वो खुद भी लाल लाल है और कटोरी भी दाल की ही लाल रंग की है. और उत्पत्ति 25 के 33 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर नंबर 25. उत्पत्ति 25 में चलिए, उत्पत्ति 25 और उसका 33 हम पढ़ेंगे. उत्पत्ति 25 का 33 जल्दी से निकालें मेरे साथ. उत्पत्ति 25 का 33 यहाँ पे लिखा है, देयर वॉज अ मील सेट बिफोर हिम टू ईट, बट ही सेड आई विल नॉट ईट अंटिल आई हैव टोल्ड माइन एरेंड, एंड ही सेड स्पीक ऑन, एंड ही सेड आई एम ओके. हाँ जी, एंड गॉड हैज ब्लेस्ड मी, लेकिन ये नहीं है वो जो मैं आपको देना चाहता हूँ. ओके, हालेलुया. हाँ, तो ये है 25 का, सॉरी मैं गलत वचन पढ़ रहा था, 25 का 33 मुझे पढ़ना है, 32. जेनेसिस 25 का 32 सुने, 31 से पढ़ता हूँ. एंड जेकब सेड सेल मी दिस डे थाई बर्थ राइट, यकूब कहता है मुझे अपने पहलौठे होने का हक बेच दे. एंड एसाव सेड आई एम एट द पॉइंट ऑफ डाई, आई एम एट द पॉइंट टू डाई, व्हाट प्रॉफिट शेल दिस बर्थ राइट डू टू मी, क्या होगा मुझे बर्थ राइट, मैं तो मरने वाला हूँ भूख से. एंड जेकब सेड स्वेयर टू मी दिस डे अनटू, एंड ही स्वोर अनटू हिम, एंड ही सोल्ड हिज बर्थ राइट. यकूब ने चतुराई से इसाओ से बर्थ राइट लिया, लेकिन इसाओ कितना मूर्ख है, उसको ये नहीं पता कि यहोवा ने जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे पहलौठे होने की दी है उसका कितना बड़ा प्रतिफल है. और लिखा है 34 वचन में, एंड जेकब गेव इसाओ ब्रेड एंड पॉटेज ऑफ लिंटल्स, एंड ही डिड ईट एंड ड्रिंक एंड रोज अप एंड वेंट हिज वे, एंड इसाओ डिस्पाइज्ड हिज बर्थ राइट. इतनी बड़ी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को डिस्पाइज किया उसने. इसाओ ने आत्मिक चीजों का मूल्य नहीं जाना. आज भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन, उनको मटेरियल चीजें चाहिए, गाड़ी, बंगला, रियल एस्टेट, बैंक बैलेंस, मोबाइलों में पैसा आ रहा है, फोन अकाउंटों में, ये चाहिए. दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग. वो अपने रूहानी मिरास को डिस्पाइज करते हैं. इसाओ ने अपनी रूहानी मिरास को क्या किया, डिस्पाइज किया, एक कटोरी दाल के लिए. दाल खाली, एक कटोरी. हवा ने फल तोड़ा, खाया और अपने पति को दिया और खा लिया. दोनों डिसीव हुए. इसाओ को मालूम नहीं उसने क्या बेच दिया, किस चीज को अपने पाँव के नीचे. इसाओ के विषय में लिखा है, पाँव के नीचे रौंद दिया जिन लोगों ने यीशु मसीह की, यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अति बहुमूल्य लहू को. इब्रानियों की पत्री बताती है, वो अपने पाँव के नीचे कुचल गए उस लहू. ये वो लोग हैं, डिस्पाइसर्स हैं, जिनको आत्मिक बातों का महत्व नहीं मालूम, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल लेगसी, स्पिरिचुअल एनॉइंटिंग, जो स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, स्वर्गीय मिरास हमें मिली है, उस मिरास का भेद ही नहीं जानते ये लोग. ये इसाओ सरीखे लोग हैं. अब देखें आप, उसने सब कुछ बेच दिया पेट की खातिर. अब इसका मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, उत्पत्ति में से, उत्पत्ति 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 6 वचन. उत्पत्ति 28 का 6 सुने, व्हेन इसाओ सॉ आइजक हैड ब्लेस्ड जेकब एंड सेंट हिम अवे टू पदम अराम टू टेक वाइफ फ्रॉम देंस, एज ही ब्लेस्ड हिम ही गेव हिम अ चार्ज सेइंग दाउ शैल्ट नॉट टेक वाइफ फ्रॉम द डॉटर ऑफ केनन, एंड दैट जेकब ओबेड हिज फादर एंड हिज मदर एंड वाज गॉन टू पदम अराम. इसाओ सीइंग दैट हिज दैट द डॉटर्स ऑफ केनन प्लीज नॉट आइजक हिज फादर, देन वेंट इसाओ अनटू इश्माएल एंड टुक द वाइव्स विच ही हैड महलात द डॉटर ऑफ इश्माएल इब्राहिम सन एंड सिस्टर ऑफ निबजोत टू बी हिज वाइफ. इसाओ कड़वाहट से भर गया जब उसको पता लगा उसका बर्थ राइट चला गया. अब पता लगा, उस समय नहीं पता लगा.
पहलौठे का फल चला गया, यहोवा की आशीष चली गई। यहोवा का प्रेफरेंशियल ऑर्डर है बर्थ राइट, स्वर्ग की मिरास है, स्वर्ग की बरकतें उसने लुटा दी। स्वर्गीय बरकतों के पीछे नहीं है ईसाई लोग, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वीजा चाहिए, पैसा चाहिए बैंक अकाउंट में, यू डोंट केयर अबाउट। वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में, थैंक्स बी अन टू गॉड द फादर ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हू हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस। स्वर्गीय मकामों में हर तरह की रूहानी बरकतों से हमें भरा हुआ है। प्रेरित ये बरकतें बांटते थे। हालेलुया। तो ईसाव कड़वाहट से भर गया क्योंकि यहोवा याकूब के साथ है, और उसके पिता ने बोला कनानियों से शादी नहीं करनी, तो उसको पता लगा कि कनानियों से शादी करने से मेरा पिता नाराज होता है, तो उसने जाके कनानी औरतें ब्याह ली। क्यों आपको मालूम? क्योंकि बिटरनेस है, कड़वाहट है, बिटरनेस। ईसाव कनानियों से शादी करता है कड़वाहट के कारण, अपने पिता को दुख देने के कारण। आपको मालूम नयोमी का मतलब होता है प्लेजेंट, ब्यूटीफुल। रूथ की पुस्तक पढ़िएगा किसी दिन, उसमें से आपको संदेश दूंगा, बहुत गहरा संदेश है। रूथ की पुस्तक 1 अध्याय में, ये प्रभु से नहीं पूछते जब अकाल पड़ता है, प्रभु की मर्जी नहीं जानते, अकाल पड़ता है मोआब में रहने चले जाती है अपने पति को, अपने 3 बेटों को लेके। उसके 2 बेटे मोआबी औरतें ब्याहते हैं जाके, जबकि प्रभु यहोवा ने कहा था मोआबी और अमोनियों से रिश्ता नहीं करना। क्यों? क्योंकि मोआबी और अमोनी लूत और लूत की बेटियों में से पैदा हुए हैं, जिनके ऊपर यहोवा का श्राप था। जब आप गलत जगह जाओगे, गलत जगह में रहते हुए गलत काम करना आपके लिए अधिक आसान होगा। हालेलुया। तो भाई और बहनों, अपने आत्मिक जीवन की ओर देखें, किस तरह आपका आत्मिक जीवन फलवंत हो सकता है। तो ये वापस आती है, मैं इसके ऊपर आपको संदेश दूंगा। रूथ वापस आती है, इसकी पति भी मर जाता है, इसके बेटे भी मर जाते हैं, एक इसकी बहू लौटती इसके संग। और रूथ की पुस्तक 1 अध्याय के 20 वचन में, तो औरतें बैतलहम की, ये बैतलहम की है, इसे पहचानती हैं और कहती क्या ये नयोमी नहीं है? नयोमी का मतलब खूबसूरत, लेकिन अब तो बूढ़ी हो गई है। तो ये कहती है मुझे नयोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। क्या कहो? मारा का मतलब क्या होता है? बिटर, कड़वा, कड़वाहट। नयोमी के अंदर क्या है? कड़वाहट है। और दोष किस पे लगाती है? यहोवा पे। कहती है यहोवा ने मुझे नयोमी बना दिया है, मेरा जीवन कड़वाहट से भर दिया है। बिटरनेस बहुत डेडली है। मैं तीसरी लिस्ट दे रहा हूं आपको, 2 लिस्ट मैं आपको दे चुका हूं, लेट मी गिव यू 3rd लिस्ट, क्यों ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब ऐसा ना हो। तो चलिए मेरे संग जल्दी से इब्रानियों की पत्री में, उसके 12 अध्याय में, इब्रानियों 12 उसका 17 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सुने, इब्रानियों 12 का पहले 16 पढ़ देता हूं। लेस्ट देयर बी एनी फर्निकेटर, कड़वाहट किसके अंदर आई? ईसाऊ के अंदर। और उसने क्या किया? कड़वाहट से भर गया और अपने पिता को दुख देना चाहा। और क्या किया उसने? जनाकारी की, जनाकारी, हरामकारी, फर्निकेशन। ये पैदा होगा फल कड़वाहट से। शैतान आपको सेक्सुअल इमोरालिटी की ओर ले जाएगा। लेस देयर बी एनी फर्निकेटर और प्रोफेन पर्सन, वो बिल्कुल बुराई से, गंदगी से भर गया। ईसाव बहुत बुराई से भर गया, एज ईसाव, जैसे ईसाव था, हु फॉर 1 मॉर्सल ऑफ मीट सोल्ड हिज बर्थ राइट। प्रभु कहता है इसको संसारिक चीजें चाहिए, इसको रूहानी चीजों का मूल्य नहीं मालूम। ऐसे हैं बहुत से ईसाई आज जो यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं। एक जिन होता ना, जिन चिराग में से निकलता है, उसको रगड़ता है और निकलता है, बोलता बोलो मेरे आका क्या करूं। ऐसे यीशु मसीह को इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके काम करवाने के लिए। अरे भाई, यीशु मसीह राजा है, हम उसके नौकर हैं, वो हमें आदेश देगा हमें क्या करना है। हालेलुया। यीशु मसीह को प्रोडक्ट बना के पेश करते हैं झूठे प्रचारक, झूठे पापा डैडी, झूठे पादरी, झूठे अपोसल, झूठे प्रॉफिट, प्रोडक्ट बना के पेश करते हैं कि वो तुम्हारे काम करने के लिए आया है। लोग भागे आते हैं, तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, मिट्टी बेचते हैं, नमक बेचते हैं, इतने अधर्म के काम करते हैं। और एक दिन प्रभु कहेगा दूर हो जाओ दुष्टो, मैं तुम्हें नहीं जानता।
आई नो यू नॉट. आपको मालूम प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता. आई नो यू नॉट इंग्लिश में लिखा है, जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या है, आई नो यू नॉट. जैसे वचन में लिखा ना, एडम नो हिज वाइफ एंड शी बोर हिम अ सन. आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने उसके लिए पुत्र पैदा किया. ऐसा ही है प्रभु कहता है, मेरा तुम्हारे संग ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, मैं नहीं तुम्हें जानता. दूर हो जाओ दुष्टो, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, बदकारी करने वालों, दूर हो जाओ मेरे से. वो कहेंगे हमने तेरे नाम में बड़े बड़े मौजे किए, साइन एंड वंडर किए. वो कहता गेट दी बिहाइंड मी, आई डू नॉट नो यू. लेकिन दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं. ये भेड़िए हैं जिन्हें वो नहीं जानता. कहता मैं अपनी भेड़ को जानता हूं, वो मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है. हालेलुया. तो 17 वचन में आपको लेकर आना चाहता हूं. फॉर यू नो दैट आफ्टर वर्ड व्हेन ही वुड हैव इनहेरिटेड द ब्लेसिंग ही वाज रिजेक्टेड. इसाऊ की बात हो रही है. क्या हो रही है? फॉर यू नो दैट हाउ, सेकेंड लेस्ट मैंने पढ़ दिया, थर्ड लेस्ट 16 वचन में, लेस्ट देयर बी एनी फॉर्निकेटर. फॉर वी नो 17 वचन में दैट आफ्टर वर्ड व्हेन ही वुड हैव इनहेरिटेड द ब्लेसिंग. जब उसे पता लगा, वो बुजुर्ग हुआ, बूढ़ा हुआ, तो वो तौबा करता है. लिखा है इनहेरिटेड द ब्लेसिंग, ही वॉज रिजेक्टेड फॉर ही फाउंड नो प्लेस ऑफ रिपेंटेंस दो ही सॉट इट केयरफुली विद टीयर्स. इसाऊ प्रभु के पास आया, तौबा करता है, आंसू बहाता है, रोता है कि मेरी ब्लेसिंग रिस्टोर कर दीजिए. लेकिन मिली नहीं ब्लेसिंग उसको. आंसू बहा बहा के, रो रो के भी उसने प्रार्थना की. तो मालूम क्यों? क्योंकि उसने पवित्र चीज़ों को अपने पाँव के नीचे रौंद डाला. अगर आप पवित्र परमेश्वर की इन पवित्र आशीषों को, बरकतों को, उनका मूल्य नहीं जानोगे, पाँव के नीचे रौंदोगे, संसार, संसारिक लोहा लंगड़ को अगर आप वैल्यू दोगे अपने जीवन में, तो इसाऊ वाला हाल हो सकता है आपका. लिखा है कि बाद में वो ब्लेसिंग लेने के लिए आया कि मुझे मिल जाए, पर वो रिजेक्ट हो गया. गॉड हैज़ अ सॉवरेन राइट टू चूज और नॉट टू चूज. ये परमेश्वर का अधिकार है, वो जिसे चाहे उसे चुने और जिसे चाहे उसे रिजेक्ट करे. हालेलुया. लिखा है उसने ढूंढा, आंसू बहा बहा के और रो रो के पुकारा, लेकिन वो उसे मिला नहीं, रोटी के एक टुकड़े के लिए. मैंने अमेरिका में एक बंदे की कहानी सुनी थी. उसने एक जैकपॉट जीता अमेरिका में. वो ये था कि उसको पूरे 1 ईयर के लिए कोई शायद डेल्टा एयरलाइन या अमेरिकन एयरलाइन ने अरेंज किया था पूरे 1 ईयर का वर्ल्ड टूर. तो शायद अटलांटा से उसको प्लेन पकड़ना था और उसका सब कुछ पेड था. पूरा वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं सब में उसने ठहरना था. कोई उसने जैकपॉट जीता था, एयरलाइन उसको लेके जा रही थी, उसके होटल्स बुक थे, उसके ट्रैवल बुक थे सारे जगह जगह. तो बस उनको यही बोला गया था कि आप मिस नहीं करना फ्लाइट, यू हैव टू बी ऑन टाइम, डोंट मिस द फ्लाइट. कुछ लोग चुने गए थे, उनमें से एक ये बंदा था. ये एयरपोर्ट पे पहुंचा, इसको लगा फ्लाइट अभी डिलेड है, ये हैमबर्गर लेने चला गया. क्यू में लगा वहाँ पर और दूसरे सेक्शन में चला गया. ऐसे अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दी, प्लेन छूट गया. एक हैमबर्गर के लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग खो दी उसने. तो भाई और बहनों, कहीं शारीरिक छोटी सी चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी आत्मिक बरकतें ना, कहीं शैतान आपको डिसीव ना करे. एक्सपटाओ, ग्रीक वर्ड है डिसीव के लिए, एक्सपटाओ. वो स्पेल कास्ट करेगा ऐसे स्पेल, वो आपको पाप एक अलग रियलिटी में दिखाएगा, लुभावना लगेगा आपको. ग्रीक वर्ड है, दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में, एक्सपटाओ टू क्रिएट ए न्यू रियलिटी, डिसीव करना. लेकिन ईव कहती है उत्पत्ति 3:13 में, यहोवा से कहती है, क्या कहती है, नखाश नाशा. नखाश का मतलब चमकने वाले ने, डिवाइनर ने, जादू करने वाले ने, सर्पेंट ने मुझे नखाश नाशा, मुझे बिगाइल किया. प्रेरित पौलुस यही बात कहता है पहला दूसरा कुरिन्थियों 11:13 में, कहीं ऐसा ना हो शैतान तुम्हें बिगाइल कर ले. ये डर था उसके अंदर इस कलीसिया के लिए, जैसे ईव को बिगाइल किया.
कलाम की सिंप्लिसिटी से, सिंपल जीवन प्रभु के लिए जीने के से शैतान कॉम्प्लिकेट करके दूर ले जाए। ईव कहती है नखाश नाशा, शैतान ने मुझे बिगाइल किया। नाशा नुन शिन अलफ, नुन का मतलब यहोवा का बीज, शिन का मतलब खा जाना, नुन का मतलब यहोवा का बीज, अलफ यहोवा का बीज, शैतान खा गया मेरे अंदर से। हालेलुया। तो भाई और बहनों आइए परमेश्वर यहोवा के बीज से भरे रहें, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो पंछी आए और बीज को चुग गए, शैतान बीज को चुरा के ले जाए। ये बीज जो आपके अंदर जा रहा है ना, इसकी फसल पैदा करनी है आपने प्रभु के लिए, और कड़वाहट की जड़ से बचना है, क्योंकि कड़वाहट का बीज नहीं है, उसकी जड़ है। ये कड़वाहट की जड़ है जो डिसीव कर रही है लोगों को, यही ओरिजिनल सिन है सेटन का। वो कड़वाहट के बीज बो रहा था एडम एंड ईव की लाइफ में, क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसे किक आउट कर दिया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मालूम ये इंस्ट्रूमेंट है यहोवा परमेश्वर का, ये फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, यहोवा की फ्रीक्वेंसी। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं, ये तीन लिस्ट जो मैंने आपके लोगों को बताई, लेट नॉट द डेविल बिगाइल योर पीपल, लेट द डेविल नॉट कॉल एक्सपटाउ, डोंट अलाउ द डेविल कॉज नशा। सचमुच ये नशा ही है, नशा। नुन शे नालेफ, तेरे बीज को खा जाता है वो। इब्रानियों की पत्री वाला तीन बार बोलता सावधान रहो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो। खुदा मैं लोगों के लिए दुआ करता हूँ, तेरा ये अद्भुत कलाम इन लोगों के जीवन में बोया जाता है। खुदा मैं दुआ करता हूँ ये जितने तेरे कलाम के बीज को लेते हैं, ये खुदावंद सैकड़ों लोगों के जीवन में इसे बोए, मैं प्रार्थना करता हूँ ये हजारों गुना आगे मल्टीप्लाई हो। ये तेरा कलाम जो तूने अपने दास को दिया खुदावन, हजारों लोगों के जीवन में आगे मल्टीप्लाई, ये अपने तक रखने वाले नहीं, हजारों लोगों के जीवन में बोने वाले हो खुदा। तेरा कलाम फैलता जाए, तेरे सच्चे कलाम की तुरी फूकी जाए, तेरे सच्चे कलाम की सिफत बुलंद हो खुदावन, झूठ को कुचला जाए, डिसेप्शन को कुचला जाए खुदावन। हालेलुया, तेरा जलाली नाम ऊँचा हो, एक एक जन को अपने खून में छिपा खुदावन, तेरे वचन के कैरियर बना, तेरे सीड को लेके जाने वाले हों खुदावन, बीज बोने वाले बने खुदावन, और तेरे सच्चे कलाम के बीज को बोने वाले खुदावंद। में तेरा खून इन सब पे छिड़कता हूँ आज की सुबह, रवि प्रकाश गुप्ता पे तेरा खून छिड़कता हूँ, नीलम वैली पे तेरा खून छिड़कता हूँ खुदावंद, मनीषा सिंघी उसके घराने पे तेरा खून छिड़कता हूँ, मलकियत गिल उसके घराने पे तेरा लहू छिड़कता हूँ, मैं कृष्ण कुमार पे तेरा लहू छिड़कता हूँ जो दिल्ली में है, जिस मकसद के लिए कृष्ण कुमार गया वो मकसद पूरा हो, इस भाई को आशीषित करना, इसके द्वारा तू खुदावंद अपने लोगों की सहायता करेगा, मदद करेगा, वो मार्ग इसके द्वारा खोलना खुदावंद। कृष्ण कुमार और साबी सुजीत को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावंद, मैं अनु सूद को तेरे लहू में छिपाता हूं, अनु सूद के भविष्य को मैं खोलता हूं, आई अनटैंगल व्हाट द डेविल हैज बाउंड इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड आई रिलीज अ डेस्टिनी एंड अ फ्यूचर, हालेलुया, थ्रू द ब्लड द लैम, आई ब्लेस पूजा बिष्ट, लेट योर हैंड बी अपॉन पूजा बिष्ट, एंड आई ब्लेस हर हस्बैंड, लेट योर हैंड बी अपॉन हर हाउस होल्ड, लॉर्ड गॉड, आई प्रे फॉर तनुजा सेठ, ब्लेस हर लॉर्ड, ब्लेस हर हस्बैंड, ब्लेस संतोष खन्ना, हर मदर, हर फैमिली लॉर्ड, आई स्पीक हीलिंग अनॉइंटिंग, हीलिंग वर्च्यू, आई प्रे फॉर जसवंत सिंह फॉर योर ब्लेसिंग एंड अनॉइंटिंग, लॉर्ड I pray that you heal Neelam Valley from the back pain. Touch her spine and heal her, Lord. Bless Manjeet Singh. Bless his ministry, Lord. In Jalalabad. Bless खुदावंद तेरे काम को और बढ़ा इस बंदे के द्वारा। लॉर्ड आई ब्लेस शमीना अशरफ, लेट योर हैंड बी अपॉन हर, शमीना अशरफ की सिस्टर को तेरे खून में, उसके घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ खुदावंद, गुरदीप सिंह को तेरे लहू में छिपाता हूँ, तेरा हाथ हो गुरदीप सिंह के ऊपर। लॉर्ड ब्लेस अजय सूरी, खुदावंद मैं अजय सूरी की मदर को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा के छू खुदावंद, तेरा जलाली नाम ऊँचा हो यीशु नासरी। खुदावंद मैं भाई रमन खान को तेरे लहू में छिपाता हूँ,
खुदावंद मैं इनकी पत्नी रीना खान को, इनकी दोनों बेटियों को तेरे हजूर में लाता हूँ। इनके घर में सच्ची बेदारी आए खुदावंद, इनकी मदर को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावंद, और इनके इन लॉज के घराने पर भी तेरी बरकत खोलता हूँ खुदावंद। भाई ललित मेहरा को अपने हाथ में ले, इनकी बीवी को अपने हाथ में ले, बच्चों को ले, इनकी मदर को छू के चंगा करे मुकम्मल रीति से खुदावंद। इस भाई के दोनों घरानों में, मदर साइड इनकी वाइफ साइड के और इनके घराने में तेरी आत्मा का काम हो खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके द्वारा उत्तरांचल में, उत्तराखंड में तेरा नाम फैले खुदावंद। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन को खुदावंद ये तेरे कलाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आमिया बिंदु, महेश भाई, खुदावंद उन पर तेरा लहू छिड़कता हूँ, और खुदावंद मैं तेरा खून छिड़कता हूँ राजेश के ऊपर, खुदावंद मैं तेरा खून छिड़कता हूँ मोनिका सब्रवाल उसके घराने के ऊपर, सब्रवाल ग्रोवर उसके घराने के ऊपर। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जलाली नाम में, खुदावंद पवन अग्रवाल के लिए, अग्रवाल स्वीट्स के लिए खुदावंद दिल्ली में तेरा आत्मा अग्रवाल के जीवन में काम करे खुदावंद। मिस्टर कक्कड़ के ख़ानदान को भी तेरे हजूर में लेकर आते हैं, तेरे खुदावंद जलाली खून की कुदरत को खोलते इन लोगों के ऊपर। गुरदीप सिंह दगन से खुदावंद उसे, उसकी पत्नी को, बच्चों को, उसके माँ बाप को, उसकी बहनों को, उनके घरानों को तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ खुदावंद। भाई रवि प्रकाश गुप्ता को, इनके घराने को अपने लहू में छिपाएं खुदावंद। तारा बंसल को अपने खून में छिपाइए, आशीषित कीजिए तारा बंसल को खुदावंद। लॉर्ड आई प्रे फॉर विनोद क्रिश्चियन एंड विनोदनी क्रिश्चियन दैट योर हैंड विल बी अपॉन देम, योर हैंड ऑफ ब्लेसिंग। लॉर्ड ब्लेस चंद्र मोहन एंड हिज डॉटर एंड हिज वाइफ एंड हिज हाउस होल्ड इन जीसस नेम। आई प्रे फॉर एग्नेस लाल एंड हर फैमिली। लॉर्ड आई स्पीक योर ब्लेसिंग, आई स्पीक योर ब्लेसिंग ओवर अमरजीत कौर एंड हर हाउस होल्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। लॉर्ड आई ब्लेस प्रदीप कुमार फ्रॉम दिल्ली, I sense that he's a pastor in Dwarka. You bless brother Pradeep Kumar. Bless his ministry, Lord. Bless his household. Bless his family. Lord, I pray for Surinder Kaur for your mighty blessing. Bless Surinder Kaur and anoint her. I pray for Vinita Chopra and Hitesh Chopra in Australia. Lord, I pray that you impart them a new vision. You, Lord, teach them strategies to touch the land of Australia, the Pacific nations, Lord. Extend their territory and their vision and bless them, Lord. I pray, Father, the court case that is going on with Hitesh. Lord, I bind the adversary. Let the adversary be bound. Let justice and truth prevail in that case in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for your hand over Meenu Sood. Bless Meenu Sood. Bless her family. Bless her household, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Tere lahu ki jai ho Khudaavand. हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तुझे जलाल देते हैं खुदावंद। लॉर्ड आई प्रे फॉर अभी मही सलारिया, ब्लेस अभी सलारिया, लेट योर हैंड बी अपॉन हिम एंड अपॉन हिज हाउसहोल्ड। एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर द पास्टर दैट केम विद हिम टू मीट मी इन कौंतरपुर, ब्लेस दैट पास्टर टू लॉर्ड, ब्लेस देयर फैमिलीज, देयर हाउसहोल्ड, आई प्रे लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ। लॉर्ड आई प्रे फॉर मिस्टर अनिल कोचर, आई सी हिम ऑफ एंड ऑन, आई प्रे दैट यू ब्लेस दिस मैन, bless his household, let your hand be upon him. Lord, I speak your blessing over Shanti Thapa Masi. Lord, you will use this family in Nepal. You will break the new ground in Nepal, Lord. I pray for them in the mighty name of Jesus. I pray for her husband, pray for their daughters in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, bless Jasveer Singh Surinder. Let your hand be upon Jasveer Singh Surinder, upon just one Singh. Hallelujah. सलारिया की फैमिली को तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे लहू के साए के नीचे करता हूँ। आई हम्बल माई सेल्फ अंडर योर माइटी हैंड। लॉर्ड क्लेंज मी इन द ब्लड द लैम, पर्ज मी, वॉश मी। लॉर्ड डू मिकवा, डू तवीला एंड डू मिकवा फॉर योर पीपल, डील अवे द इलेक्शन सो दैट godly government is not formed in the US, and that will have myriad implications around the world. It will impact the nations of the earth, it will impact the kingdom of God, it will impact Israel. So Lord, you will not let this evil, vicious plot to be hatched and brought to fruition, but you will break it in the name of Jesus. Lord, in Arizona, in Georgia, in Wisconsin, in Pennsylvania, and Lord, in other couple states,
truth will prevail, Lord. Lord, the judiciary will be touched by you. The administration, the local governments that try to impede, Lord, scrutinizing every legal vote. They cast illegal votes and they cast the vote of the dead so that Biden wins. And new agers and the elites and Lord God, those Freemasonry, New Age government is formed, Lord, but you will not allow this. We plead your blood, Khudavand. Khudavand, teri victory dekhenge hum United States of America mein. We bless you, Lord. Tere naam ki mehma ho, Khudavand. Aaj ka sara din tere jalali haath mein dete hain. Khudavand, ye log jahan jahan jaate hain aaj kaam karne, apne business mein, Khudavand, main ek ek ke upar tere blood ki protection ko kholta hoon. Tera jalali naam uncha ho, Khudavand. Hallelujah. प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान वो बढ़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान वो बढ़े आपके जीवन में आप घटे इसका ध्यान रखिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है मैं इसमें आनंदित हूँ आज का दिन यहोवा ने बनाया है मैं इसमें आनंदित हूँ हालेलुया खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा नाम ऊँचा हो यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन हालेलुया दिन में फिर एक बार मिलेंगे और वचन पे मनन करेंगे प्रार्थना करेंगे खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे सबको जय मसीह की